राम राम सभी को। आज का ब्लॉग मैं सुबह के 7:30 बजे से शुरू कर रही हूँ और नहाना तो हो गया मेरा ना, और बहन जी का भी। और ना अभी ना बहन जी मेथी के परांठे बना रहे हैं, तो हमने सोचा हम आपको भी दिखा देते हैं कि हम किस तरह से मेथी के परांठे बनाते हैं। दिखाने बहन जी? हाँ दिखा दे। वैसे बहन जी ने बोला था कि जल्दी से और दिखाओ। नहीं आप हम तो बोल रहे थे, कब से बोल रहे थे? हाँ हम कब से सोच रहे थे कि हम दिखाएंगे कि हम कैसे बनाते हैं मेथी के परांठे, तो चलो आज दिखाते हैं आपको। मैं कैमरे से दिखाऊं बहन जी? देख लो फ्रंट से दिख जाए। बहन जी ना पहले पेड़ा बना रहे हैं, बनाओ। पेड़ा बन गया? हाँ तो बनाओ, अब रोटी बनाएंगे। और ना गाइस मैंने इसमें ना ये आटे में गूंथा जाता है ये वाला मतलब मेथी जो होती है, पर मैंने आटे में नहीं गूंथी क्योंकि आटा बचा हुआ था ना। हाँ। इसलिए तो मैंने ऐसे काटा, प्याज इसमें मिर्ची डाली और मेथी है इसमें, तो पहले ऐसे फुलका बेल लेना है। हाँ। रोटी बेल लेनी है इसमें, फिर उसके बाद घी लगाना। आप ना मेरा तवे वाला पराठा भी देखना। और ना वैसे आटे में गूंथ दे ना तो ज्यादा अच्छे लगते हैं। हाँ ऐसे भी अच्छे लगते हैं। अच्छा है ना, लेकिन हाँ। मैं बोल रही हूँ आसान रहता है ऐसे। फिर उसके बाद मैंने नमक भी नहीं डाला है, तो नमक भी डालो इसमें। हाँ नमक डाल लिया, फिर उसके बाद मेथी, ज्यादा ज्यादा मेथी डाल दो इसमें क्योंकि ज्यादा है हमारे पास मेथी। मेथी डाल ली, अब इसको ऐसे रोल रोल करना है। दिखाओ दिखाओ अच्छे से। ऐसे पकड़ के इसको ऐसे करता हूँ, फिर ऐसे बंद। बनाओ तो घी लगा दो अब इसको। नहीं ये डैडी जी का, इसको घी लगेगा, हो गया। अच्छा मैंने एक बना के रख दिया था। अच्छा। ये वाला दिखाओ इसको। कौन सा वाला? ये दो बना के डैडी जी ये बनाए बहन जी ने, लेकिन इसमें ना घी नहीं लगाया है, इन बालों में लगाएंगे बहन जी घी। अब बहन जी तो चलो बना लो आप, है ना? रुक जाओ तो घी लगा के भी दिखा देते हैं गाइस को। अब ये अच्छा लग रहा है देखने में, फोन में भी अच्छा लग रहा है। हाँ बहन जी तो मैं चलती हूँ, मैं भी खाना बना लेती हूँ, मेरे वाला परांठा पहुँचा देना आप। दूसरी तो YouTube फैमिली ब्रेकफास्ट वगैरह हमारा हो गया ना, और मैंने ना ये वाले कपड़े भी धोकर रख दिए, ये नए वाले, और ना अभी मुझे घर वाले भी है धोने के लिए। और ना आज हम ये वाला सूट ना कटिंग कर रहे हैं इस वाले सूट की हम। बहन जी आपका मेरे ऊपर है, बहन जी ने ऊपर रख दिया है। और ये कुर्ती मैंने रात को ना इसमें तुरपाई की थी। जोर से बहन जी पकड़ो आप फोन। क्यों? चलो YouTube फैमिली हो गई सूट की कटिंग, और मैंने सूट कट करके रख दिया ये वाला। और बहन जी अपना भी दिखाओ आपने यहाँ रखा। अब बस मम्मी जी का था सूट ना, उसकी मैंने सलवार कट कर दी ना, और बहन जी कमीज कट कर रहे हैं। ये वाला सूट दिख रहा है अच्छे से? नहीं फोन में इतना अच्छे से नहीं लग रहा पता है सूट का। अच्छा कुछ नहीं पहन के दिखा रही हूँ तो इसको। काटो तो फिर जल्दी। हाँ अब मैं तब तक स्टिचिंग करती हूँ, ठीक है? ठीक है बोलो। क्या YouTube फैमिली, मैं ना अभी पकौड़ू बना रही हूँ, जो करियाड़े के फूल नहीं दिखाए थे हमने बहन जी।
कहाँ डाले करियाले के फूल तो डाल ही नहीं आपने। देखेंगे ये वाले हैं करियाले के फूल, मैंने ना मिक्सी में पीस दिए मैंने मैंने ना इनको। तो आप इसकी चटनी बना रहे हो? चटनी नहीं पकौड़ू। और गाइस मैं ना दिखा नहीं पाई आपको ना, क्योंकि आप ही ना मैं स्टिच कर रही थी कपड़े और टाइम भी बहुत 12:30 तो हो गए, 1 बजे हम खाना खा लेते हैं, तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी बना लेती हूँ। अभी रोटियाँ भी बनानी है जी मैंने, फिर कभी दिखा देना इसको। हाँ फिर कभी कभी क्या बता तो दिए मैंने सारा सामान। थोड़ा सा ना हमने पुदीना भी डाल दिया इसमें बहन जी, प्याज नमक मिर्च बस ये सब। जब पकौड़े बन जाएंगे ना तब दिखा दूंगी मैं, और ना जल्दी से ना अपलोड कर दो वीडियो, ठीक है? ऐसे दिखा दो मिक्सर। अभी हल्दी नहीं डाली। हल्दी क्यों नहीं डाली आपसे लेट मैंने? क्यों? खत्म हो गई हल्दी। चलो आप वीडियो पर आते हो। जो फैमिली बन के तैयार हो गई हमारी पकौड़ियाँ, और ये देखने में रुक जाओ, ये देखने में ऐसी लग रही है टेस्टी टेस्टी तो हमने खाई इसलिए लग रही है हमें टेस्टी। और गाइस इस बार तो हम आपको दिखा नहीं पाए कैसे बनाई हमने पकौड़े, पर अगली बार जब हम कभी भी बनाएंगे ये करियाले के फूलों वाली पकौड़ियाँ तो हम जरूर दिखाएंगे आपको, है ना बहन जी? हाँ बहन जी ठीक है। तो खा लेते हैं गाइस हम खाना, फिर उसके बाद मिलते हैं आपसे। यूट्यूब फैमिली शाम की 4 बज गए ना, और मौसम देखो बारिश लग पड़ी, आज तो ठंडा हो जाएगा मौसम। हाँ ठंड लग रही है हल्की हल्की, और ना और तूफान भी पड़ा है, तो मुझे लगता है अब फिर से जो थोड़ा बहुत कुर बचा था ना आम के पेड़ में वो भी चला जाएगा। अब कितनी हवा चल रही है, हाँ अब नहीं लगेगी। वो दिखाओ आम का पेड़। अच्छा बैक कैमरे से दिखाती हूँ भाई। मुझे लगता है ना ज़्यादा बारिश होगी, इस साइड तो बहुत सारा पाकिस्तान दिख रहा है बहुत बड़ा। नीनी हाँ दिखाओ कितना अंधेरा लग रहा है उस साइड में, वो दिखाओ। मैं सोच रही देखो कितना अंधेरा हो गया है, या इस साइड नहीं और अंधेरा, और काम वाले लोग जो लगे थे ना वो यहाँ बैठ गए हैं यहाँ पर, क्योंकि हल्की हल्की बारिश हो रही है। तो ये कूल भी जाग जाएगा अब। हाँ थोड़ा बहुत, चलो अब ठंड लग रही है यहाँ पे। ये वाला कूलर जी क्या बोल रहे हो आप? मैं बोल रही हूँ ना कि चलो अंदर नहीं तो हम उड़ जाएंगे। हम नहीं उड़ते तूफान में। और गाइस गर्मी आ गई थी ना, अब मुझे लग रहा है ठंड आ जाएगी फिर से, आएगी ठंड। चलो जल्दी से स्टिच करते हैं तो कपड़े, ठंड लग रही है बहन जी। स्वेटर पहनना पहन लेंगे। चलो गुलाब हो ना, चलो पहले गाइस को गुलाब नजदीक आप जाओ, लेकिन वहाँ पर लोग बैठे। कोई बात नहीं तो बाद में दिखाएंगे, चलो मैं बैक कैमरे से दिखाती हूँ आपको। गाइस वो देखो कितने सुंदर गुलाब लगे हैं, क्या बता देना कुछ कितने सुंदर है बहन जी, है ना बहन जी? जी बहुत सारे कमेंट आ रहे थे ना, जो हमने कल वीडियो डाली थी उसमें हमने पापा वाली क्लिप भी तो डाली थी। अच्छा अच्छा हाँ हाँ, उस वीडियो में ना कमेंट आ रही थी कि आपके पापा क्या जॉब करते हैं तो बता दो आप। यूट्यूब फैमिली हमारे पापा ना मीडिया में जॉब करते हैं। हाँ बस दिल्ली में है, और दिल्ली में करते हैं वो जॉब, और काम के सिलसिले में उन्हें इधर उधर जाना पड़ता है। और नए कमेंट चलो आया था ना कि आप इंस्टाग्राम आईडी बताओ अपनी। हमारी इंस्टाग्राम आईडी है अंजना राजपूत 31, और मेरी है 31 अगस्त 392 चलो आप 31-AUG391। हाँ चलो बस यही है। और ना बारिश थोड़ी ना कम हो गई, और मौसम तो बहुत अच्छा हो गया। चलो बहन जी अब खाना। बहन जी मेरी चुन्नी ना ऐसे खींचते रहते हैं, वैसे ये टिकती नहीं, पकड़ो इसको अब खींचते रहते हैं इनको, होते चुन्नी को खींच रहे। चलो तो गाइस हम स्टिचिंग कर लेते हैं, क्योंकि फिर कल मैंने सूट देना है। बहन जी ने तो कर लिया होगा, मुझे ना नहीं नहीं किया है। तो फिर आप ये क्यों ठंडे पड़े, कल जगह भी है हमारे। चलो अब फैमिली
रात के 8 बज गए और मैं आ गई खाना खाकर नीचे रूम में, और मैं अभी अपने रूम में प्रेस कर रही थी कपड़ों को ना, तो बहन जी ने आवाज़ लगाई कि मेरे वाले रूम में आ जाओ, ब्लॉग ऐड कर देते हैं, क्योंकि अब हम दोनों ने शायद अपने आपने भी करनी तुरपाई। हाँ मेरे को इस कुर्ती को ना तुरपाई करने को है, क्योंकि ये अनवी की मम्मी का सूट है ना, और कल जाके उन्होंने कल पहनना है ये सूट, और मुझे भी एक कुर्ती को तुरपाई करने के लिए, वो भी अनवी की मम्मी का ही सूट है। हाँ जी बोलो। मैंने ये वाला सूट भी स्टिच कर दिया। मैंने भी कर दिया है। आपने बाजू अटैच नहीं की? पहन के दिखा दो इसको। नहीं अभी नहीं, नहीं जब पूरा तैयार हो जाएगा ना फिर दिखा दूंगी। अभी दिखाना, जब हम पहनेंगे ना शायद, जब शादी होगी ना, हमारे गांव में शादी है और रिश्तेदारी में भी शादी है, जब शादी होगी उस दिन हमने पहनने हैं कपड़े ये वाले, तब दिखाएंगे हम आपको। बहन जी ये अफगानी सलवार भी दिखा दो, अच्छी लग रही है। और ना किसी का कमेंट आया था ना बहन जी कि ना आप अगर आप ऐसे नहीं दिखा सकते कटिंग, और कटिंग ना तो आप जब कटिंग करते हो तो सिर्फ कैमरा रख दिया करो और कुछ मत बोला करो आप। तो उससे क्या पता लगेगा गाइस को, जो सिलते हैं उसको अंदाजा हो जाएगा थोड़ा बहुत। ठीक है गाइस, हम कोशिश करेंगे ऐसा करने की। और हम एक कुर्ती की तुरपाई करने के लिए ना, तो इसलिए ना वो ब्लॉक एंड भी कर देते हैं हम, क्योंकि फिर टाइम लग जाएगा तुरपाई करने में। मैं तो बड़ा स्लो तुरपाई करती हूँ, मैं जी तो जल्दी कर लेती हैं आधे पौने घंटे में, और मुझे टाइम लगता है तुरपाई करने में, तो तुरपाई भी कर लेते हैं हम फिर। कल देना भी है सूट, तो मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक बाय बाय।